हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट विनीता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटिंग टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. इन द लास्ट प्रीवियस क्लास ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप टू सेक्शन 7. सेक्शन 7 तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था विद डिटेल डिस्कशन विद आल्सो रिलेटेड टू जजमेंट्स. लैंडमार्क जजमेंट भी हमने डिस्कस कर लिए थे एंड दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ लिबरल इंटरप्रिटेशन. लिबरल इंटरप्रिटेशन की भी हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से कोर्ट ने जो है लिबरल इंटरप्रिटेशन उसमें दी थी. और ये लिबरल इंटरप्रिटेशन जो है फ्यूचर में काफी हेल्पफुल होगी फॉर दोज मदर्स हु आर अनमैरिड एंड अनवेड. अनवेड का मतलब शादी जिसने नहीं करी हो. अनमैरिड भी शादी, वही सेम वर्डिंग होगी ना. एक ही वर्ड का दो मीनिंग मैंने दो वर्ड बता दिए जिनका सेम एक मीनिंग बन निकल रहा है. तो अनवेड या अनमैरिड दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं. तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि हम जिस करंट सोसाइटी में जी रहे हैं वहां लिव इन रिलेशनशिप के काफी कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, जिसमें क्या है कि लेडी प्रेग्नेंट भी हो जाती है और बच्चा भी आगे बॉर्न कर देती है. तो बच्चा भी अगर जब बॉर्न हो जाता है, बर्थ दे देती है बच्चे को, तो उसके बाद भी क्या है कि इश्यू अराइज होता है कि हस्बैंड जो हस्बैंड यानी कि जो पार्टनर है वो छोड़ के चला जाता है, तो उस टाइम वो लेडी क्या करे. तो ये जो लिबरल इंटरप्रिटेशन थी एबीसी वर्सेज एनसीटी दिल्ली का जो केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसे आप याद रखिएगा. क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 7 तक हमने कर लिया था, आज हम बात करते हैं सेक्शन 8 की. पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन की, जो नेचुरल गार्जियन बन गया, ये मैंने आपको बताया है कि नेचुरल गार्जियन कैन बी ऑफ पर्सन एज वेल एज प्रॉपर्टी. पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों का नेचुरल गार्जियन वो हो सकता है. तो पावर क्या है नेचुरल गार्जियन की? द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए माइनर हैज पावर. क्या पावर है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. इस सेक्शन के जो अदर प्रोविजंस है उस प्रोविजन के हिसाब से ही नेचुरल गार्जियन के जो पावर्स है उनको डिस्कस किया गया है. द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू डू ऑल एक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर और फॉर द रियलाइजेशन प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द माइनर स्टेट. बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर्स बाय अ पर्सनल कोवेनेंट. तो क्या कहना चाह रहा है कि नेचुरल गार्जियन जो है उसके पास सारी पावर है, पर इस सेक्शन में कुछ प्रोविजन है, उन प्रोविजन के साथ में आपको लेके चलना है, उन प्रोविजन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आपने वो पावर को एक्सरसाइज करना है. ऑल एक्ट्स, हर वो एक्ट्स कर सकता है. किस प्रकार का एक्ट्स? नेसेसरी, आवश्यक है, रीजनेबल है, उचित है, प्रॉपर है, सही है, बेनिफिट ऑफ माइनर है या तो माइनर के बेनिफिट के लिए है और फॉर द रियलाइजेशन प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ माइनर स्टेट. या मान लो माइनर की जो स्टेट है उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर. पर गार्जियन किसी भी मामले में पर्सनल अगर कोई एग्रीमेंट कर लेता है कहीं, उस मामले में जो है माइनर जो है बाइंड नहीं है. माइनर अगर बड़ा जैसे हो जाता है, 18 साल की उम्र ले लेता है, मेजर हो जाता है, तो उस मामले में वो उसको क्या कर सकता है? वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है. वॉइड तो वो डिक्लेयर करवा सकता है, वॉइडेबल भी डिक्लेयर करवा सकता है. नॉर्मली तो वॉइड ही होता है. देखिए माइनर के बिहाफ में आपने कोई पर्सनल एग्रीमेंट कर लिया, वो क्या है, पर्सनल कोवेनेंट कर लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो वॉइड होगा. लेकिन अगर मान लो माइनर मेजर की कंडीशन में आ जाता है और उसके लगता है कि मेरे बेनिफिट के लिए, तो वो उसको या तो परफॉर्म करवा सकता है या वो वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है. तो कह रहा है कि सबसे पहली चीज नेसेसरी. नेसेसरी मतलब आवश्यक, आवश्यकता होनी चाहिए उस चीज की. मान लीजिए कि आज माइनर का कहीं एडमिशन करवाना है और कुछ पेमेंट नहीं है, तो उस रिगार्डिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं. रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, प्रॉपर है, कोई बेनिफिट हो रहा है उससे, माइनर की भलाई हो रही है. आज माइनर को कहीं कोचिंग दिलवाई जा रही है तो माइनर के बेनिफिट के लिए, तो उस मामले में करवा सकता है. रियलाइजेशन प्रोटेक्शन, रियलाइजेशन का मतलब है उसको रियलाइज करना. रियलाइज का मतलब उसका, उसकी वैल्यू इंक्रीज करना. आज मान लो कुछ प्रॉपर्टी है, उसको वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर कहीं पर उसको आगे किसी को कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, किसी को किसी काम के लिए प्रॉपर्टी लीज पे दे दी है, मॉर्गेज कर दी है, उस मामले में जो उसकी कीमत बढ़ रही है या उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, या उसका प्रॉपर्टी का बेनिफिट है कि इसमें कुल प्रॉपर्टी के लिए कुछ खर्चा किया गया है और उससे बेनिफिट होगा प्रॉपर्टी को, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो किया जा सकता है. फिर कह रहा है कि नेचुरल गार्जियन शैल नॉट, नहीं कर सकता. क्या नहीं कर सकता नेचुरल गार्जियन? ये बात कर रहा है शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के क्या नहीं कर सकता. पहली चीज,
फर्स्ट पॉइंट मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब गिरवी नहीं रख सकता प्रॉपर्टी का, और चार्ज, चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को आपने दे दिया और उसके ऊपर से कुछ इनकम गेन हो रही है प्रॉपर्टी की, वो नहीं कर सकते। या ट्रांसफर बाय सेल, सेल नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का। मान लो एक्सचेंज कर रहे हो, आप कहते हो ये मेरे एक एकड़ प्रॉपर्टी है, इसको माइनर की आप दूसरी हिस्सा दे दीजिए, एक्सचेंज नहीं कर सकते। या कोई और भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकते, एनी पार्ट किसी भी प्रॉपर्टी का, माइनर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे कोई भी ऐसा पार्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। लीज नहीं दे सकते एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर टर्म एक्सटेंडिंग 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लंबे टाइम तक उसे लीज पर नहीं दे सकते। लीज का मतलब किराए पर, रेंट पर कह सकते हो आप। फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी। या मान लो माइनर ने 18 साल की उम्र लेने वाला है, उससे 1 साल ज्यादा की, मान लो आज की तारीख में माइनर 18 साल का हो रहा है, आज आज हो रहा है, या आज से 1 साल बाद मान लो माइनर, आज डेट हो गई है 8 फेब 2022 को माइनर जो 18 का हो रहा है, उस 18 से 1 साल ज्यादा यानी कि 2021 तक का आप जो है वो नहीं कर सकते, सॉरी 2023 तक जो है आप माइनर की प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। और एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द, और माइनर जो है 18 का हो रहा है, उससे 1 साल ज्यादा की आप लीज नहीं दे सकते, ठीक है। एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन है, बाय अ नेचुरल गार्जियन इन कॉन्ट्रावेंस सब सेक्शन 102 के साथ अगर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा। किसके इंस्टेंस पे, माइनर के अंडर हिम, माइनर जब बड़ा होता है, मेजर होता है, उस मामले में उसके इंस्टेंस पे वो क्या होगा, वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल करवा सकता है अगर 102 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो। नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू नेचुरल गार्डियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन द नेसेसिटी। अब कोर्ट के ऊपर भी बाउंडेशन है, बाउंडेशन ऑन द कोर्ट दैट नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, क्या ग्रांट नहीं करेगी, परमिशन किस चीज की, जो सबसेक्शन 2 में मेंशन है, वो सबसेक्शन 2 की बात हो रही है, ये वाली मॉर्गेज चार्ज वगैरह तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये जो चीज है लीज वाली वो नहीं करेगा, ग्रांट नहीं करेगा। अगर वो केस कौन से ना हो, नेसेसिटी माइनर के लिए जरूरत है, या माइनर के लिए बहुत ज्यादा एविडेंट एडवांटेजेस हो रहा है माइनर का, जरूरत है कि माइनर का इलाज करवाना है, या माइनर की कोचिंग वगैरह चल रही है, उस मामले में है तो कोर्ट अलाउ करेगी। अदरवाइज कोर्ट को लगता है कि कोई नेसेसिटी है ही नहीं माइनर की, तो उस मामले में कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। फिर फिफ्थ क्लॉज कहता है कि द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 शैल अप्लाई टू एनी रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्टेन, परमिशन लेनी है कोर्ट से, उसका प्रोसीजर जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में नहीं है। तो कहता है कि जो एप्लीकेशन है उसकी परमिशन जो है कोर्ट की सब सेक्शन 2 में, वो कैसे ली जाएगी, किस एक्ट के तहत ली जाएगी, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत। इन ऑल रिस्पेक्ट एज इफ वर एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सब सेक्शन 29 जो है गार्जियन एंड वार्डशिप एक्ट का कहता है कि प्रोसीडिंग इन कनेक्शन विद एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग अंडर दैट एक्ट विद इन द मीनिंग, उस एक्ट में जो सेक्शन 4A है उसके तहत प्रोसीडिंग हो जाएगी। सेक्शन 4A क्या कहता है वो भी हम आगे देखेंगे। द कोर्ट शैल ऑब्जर्व द प्रोसीजर, कोर्ट ऑब्जर्व करेगी प्रोसीजर, कौन सा ऑब्जर्व करेगी, सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 31 का जो प्रोसीजर है। एन अपील शैल लाइ फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिफ्यूजिंग, अगर मान लो एक अपील है, कोर्ट अलाउ कर देती है, कोई परमिशन दे देती है, तो उसकी अपील जो है वो भी सबसेक्शन 2 के तहत जो है की जाएगी, जहां पर ऑर्डिनरली जो अपील है वो लाई होती है। तो इन दिस सेक्शन कोर्ट का मतलब है सिटी सिविल कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे ये सेक्शन 4A है, इसका प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है आपको, ये बता रहा है कि सेक्शन 4A के तहत क्या होगा, ये वाला पॉइंट है। कोर्ट्स का मतलब 4A में क्या है, कोर्ट्स की बात हो रही है, कोर्ट्स का मतलब जो है सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जो एम्पावर्ड है गार्जियन एंड वार्डशिप एक्ट में। तो ये सेक्शन 4A की बात कर रहा है, कोर्ट्स की बात हो रहा है। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ फोर्थ ज्यूरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन इज मेड, कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन भी होगा वहां पर, लोकल लिमिट्स होनी चाहिए ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। फिर कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है और ज्यूरिसडिक्शन मोर देन वन कोर्ट में पड़ रहा है, तो वहां पर कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स में कोई भी पोर्शन पड़ रहा है तो उसे भी
जगह है वो करवा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी है, इसका दायरा क्या है, इस पार्ट में पड़ रही है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। अब ये मर्जी है कि वो इस कोर्ट में अप्लाई करे, अब ये मर्जी है कि इस कोर्ट में अप्लाई करे, इसमें करे, इसमें करे या इसमें करे, किसी भी कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बात करता है क्लोज 6, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 4A जो है सिविल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, सिविल कोर्ट की बात कर रहा है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 31 का 2, 3, 4 क्या कहता है। तो मैं बेयर एक्ट निकाल लेती हूँ, उसमें से मैं इसको आपको करवाती हूँ। ये मैंने बेयर एक्ट निकाला और इसमें से मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्या है। देखिए लिमिटेशन ऑफ पावर जो सेक्शन 29 की हम बात कर रहे थे, सेक्शन 29 की जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 29 वो सेक्शन 29 की इसमें बात आ रही थी कि ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट, वो यहां पर मैं आपको करवा रही हूँ बेयर एक्ट से। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड बाय डिक्लेयर, वही जो कंडीशन हमने उसमें देखी थी ना, वही कंडीशन यहाँ पर है, एक्स्ट्रा कुछ भी कंडीशन नहीं है इसमें। उसी कंडीशन का ये जिक्र कर रहा है कि आप किस तरीके से गार्जियनशिप के लिए जब आप अपॉइंट करते हो तो किस प्रकार से उसका आप फाउंडेशन उस पर लगाओगे। जैसे वही मॉर्टगेज के रिगार्डिंग है, वही लीज के रिगार्डिंग है जो इसमें बात कही गई है। तो वही चीज है कि गिफ्ट नहीं कर सकते, मॉर्टगेज नहीं कर सकते, ये 29 बात करता है। फिर हमने आगे देखना है 31। 31 में क्या है जब इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम 31 को देखें तो 31 में भी यही चीजें बताई गई हैं कि द कोर्ट में इन डिस्क्रिशन, 31 का 2 कहता है कि जो ग्रांट करेगी कोर्ट तो स्पेसिफाई करेगी कि किस प्रकार की आपने उसमें कंडीशन रखनी है। अगर आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं रखनी है तो भी कोर्ट जो डिसाइड करेगी। तो सेक्शन 29 जो गवर्न होगा वो 31 से गवर्न होगा और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कोर्ट की सैंक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको जो है पीडीएफ में इन्वॉल्व नहीं किया। अगर आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा जो है बेयर एक्ट को गूगल सर्च करके आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेयर एक्ट से मैंने आपको करवा दिया है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार का डाउट है तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और पहली बात, उधर से एग्जाम बहुत कम पूछा जाता है, यही पूछा जाता है सेक्शन 4A में क्या है। सेक्शन 4A में सिविल कोड की बात करता है, सेक्शन 29 जो वार्ड एक्ट की बात कर रहा है, तो वो कुछ जो ये कंडीशन थी हमारी लीज के रिगार्डिंग जो क्लोज 2 के अंदर, वही सारी की सारी डिस्कस करता है। और सेक्शन 31 में कुछ प्रोसीजर्स डिस्कस करता है। तो ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है हमारा करने वाला जो उसके अंदर हम कर रहे थे। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्शन 8 का। इससे बार मुझे नहीं लगता बेयर एक्ट का कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ गार्जियन की। एज पर सेक्शन 8 द पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन जो है क्या है चाइल्ड पे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए गार्जियन हिंदू माइनर हैज द पावर टू डू ऑल वर्क्स विच आर कंपल्सरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहाँ पे कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल टू माइनर है, विच आर कंपल्सरी है, आप ये हाईलाइट कर लीजिए, बेनिफिशियल फॉर द माइनर इंटरेस्ट के लिए जो बेनिफिशियल है। तो ये चीज है यहाँ पर, माइनर का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ माइनर्स कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड है, प्रायर परमिशन चाहिए फ्रॉम द कोर्ट। अगर नेचुरल गार्जियन कुछ ऐसा कर रहा है, गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा है, मॉर्गेज कर रहा है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए। फॉर द लीज है एनी पार्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी के लिए, तो 5 साल से ज्यादा का एक्सटेंड नहीं कर सकता, और 1 साल से ज्यादा, 1 साल जो है ज्यादा माइनर की जब मेजोरिटी अटेंड की उससे ज्यादा नहीं कर सकता। कह रहे हैं लीज एनी पार्ट अबाउट एक्सीडिंग 5 years और फॉर ए टर्म ऑफ 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर अटेंड द मेजर, प्रायर परमिशन जो है उसके लिए जरूरी है। कहते हैं कि अगर अपनी मर्जी से वो कर रहा है 5 साल से ज्यादा की लीज, तो कोर्ट की परमिशन चाहिएगी। और अगर 18 साल का मेजोरिटी आ रही है, उससे 1 साल बाद की अगर कोर्ट ने करना है माइनर की लीज पे देनी है प्रॉपर्टी, तो कोर्ट की परमिशन चाहिए, अदरवाइज बिना प्रॉपर्टी पर परमिशन के जो है वो कर सकता है। वायलेशन अगर किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोजल में नेचुरल गार्जियन कर सकता है, करेगा, तो इट विल बी वॉइडेबल होगा माइनर के बिहाफ पे। नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू नेचुरल गार्जियन टू डू एनी एक्ट विच इज नॉट इन इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं करी जो इंटरेस्ट में नहीं हो। द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 शैल अप्लाई टू द एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द परमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो सेक्शन 29 जो है फुलफिल करना पड़ेगा। द नेचुरल गार्जियन रिक्वायर्स परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अंदर द कोर्ट विच एम्पावर बाय द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट टू सबमिट द एप्लीकेशन, जहां पर लोकल लिमिट से जो हम पहले कर चुके हैं डिस्कस।
एन अपील जो है वो नॉर्मली नहीं मानी जाएगी, लेकिन जब कोर्ट रिजेक्ट कर देगी परमिशन को तो उसके बाद क्या यूजली जहां पर ट्रांसफर होता है अपील का, यानी कि जहां अपील फाइल होती है वहीं पर की जा सकती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक जजमेंट्स हैं। इन सुदस्यप्पा पी मेटी वर्सेस मैरोटी सावलकर 2006 का केस में कहा गया था कि द एलिनेशन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी जो है बिना परमिशन के कोर्ट की क्या होगा, विदाउट कोर्ट परमिशन वॉइड अब इनिशियो होगा। फिर एक पुराना केस है 1981 का, इसमें कहा गया था कि द मीनिंग ऑफ नेसेसिटी एंड एडवांटेज ऑफ ए माइनर आर क्वाइट वाइड, जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है नेसेसिटी और एडवांटेजेस का, एंड द कोर्ट हैज द पावर टू वाइडन देयर स्कोप। कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी मर्जी से उसके स्कोप को बढ़ा सकती है। एज पर सेक्शन 12 के हिसाब से नो गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड फॉर द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, कोई भी और गार्जियन जो है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बंटा नहीं है ज्वाइंट फैमिली में है उसके रिगार्डिंग जो है उसको अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता। हाउएवर द कोर्ट में अपॉइंट ए गार्जियन फॉर द कंप्लीट ज्वाइंट फैमिली इफ रिक्वायर्ड, कोर्ट अपॉइंट कर सकता है अगर पूरी तरह से ज्वाइंट फैमिली की वहां पर रिक्वायरमेंट हो तो। माइनर कैन नॉट द गार्जियन ऑफ अनदर माइनर, ये बात करता है हमारा आगे सेक्शन आएगा 10 है शायद, उसमें इनकैपेसिटी ऑफ माइनर की बात करता है कि कोई भी माइनर का गार्जियन माइनर नहीं हो सकता। तो इसके रिगार्डिंग केस है इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम का। इट वॉज हेल्ड दैट द माइनर कैन बी गार्जियन ऑफ हिज वाइफ बट कैन नॉट बी गार्जियन ऑफ वाइफ का, गार्जियन हो सकता है बट नॉट द गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। इन जनरल अगर सामान्य तौर पर हम समझें गार्जियन मे डू ऑल एक्ट्स, गार्जियन हर प्रकार का काम करेगा दैट आर इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, जो माइनर के इंटरेस्ट का होगा। अ थर्ड पार्टी मे डील सेफली विद द गार्जियन इन दिस रिस्पेक्ट, जो तीसरी पार्टी है जो गार्जियन बनेगी वो साफ तौर पर सेफली अच्छे तरीके से सुरक्षित तौर से जो है इसको मेंटेन करेगी। हाउएवर हालांकि दिस एक्सक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होता है, फ्रॉडुलेंट धोखा किया है, स्पेक्यूलेटिव किया है, कोई भेदभाव किया, अननेसेसरी डिले किया है, उसके रिगार्डिंग नहीं हो सकता। बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले नेचुरल एंड टेस्टामेंट्री, नेचुरल का मतलब जो मदर फादर है और टेस्टामेंट्री का मतलब जो विल से अपॉइंट किए गए हैं, उनके पास पावर होती थी एलिनेट करने की माइनर्स की प्रॉपर्टी इफ इट इज नेसेसरी, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे माना गया कि नेसेसरी हो तो। इसमें लैंडमार्क केस है हनुमान प्रसाद बायोबी मुखर्जी का। डिफेक्टो गार्जियन के रिगार्डिंग है ये सेक्शन 11 के। डिफेक्टो गार्जियन कैन कन्वर्ट इनटू अ डीजर गार्जियन, डिफेक्टो गार्जियन को कोर्ट चाहे तो डीजर गार्जियन में कन्वर्ट कर सकती है और माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है। हाउएवर हालांकि दिस रूल हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, हालांकि सेक्शन 8 से ये रूल रिस्ट्रिक्टेड है, इसको पाबंदियां लगाई गई है जो साफ तौर पर कहता है कि बिना कोर्ट की परमिशन के एलिनेशन जो होगा वो माइनर्स की प्रॉपर्टी वॉइड होती है। ऑल्सो अगर आप समझे तो गार्जियन के पास does not have any right over the joint family property का भी कोई right नहीं होता। In the case of विशंबर versus लक्ष्मी नारायण में Supreme Court ने ये बात कही कि sale of minor's property, minor की जो immovable property है उसके regarding court ने ये बात कही है। ये यहाँ extra print हुआ हुआ है, मैं इसको cut कर रही हूँ। तो कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो माइनर की प्रॉपर्टी की बात होती है तो विदाउट कोर्ट परमिशन के वॉइडेबल होगी, नॉट वॉइड अब इनिशियो। 2001 का ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कहता है कि वॉइड अब इनिशियो नहीं होगा। ये बात 2001 केस में कहा गया था और 1981 का केस है उसमें परमिशन की बात, और 2006 का केस कहा गया था वॉइड अब इनिशियो, तो 2006 वाला केस प्रिवेल करेगा। इट फर्दर हेल्ड दैट, और इसमें ये बात भी कही गई जो सेक्शन 60 है लिमिटेशन एक्ट का, वो भी अप्लीकेबल होगा जब माइनर जो है अपनी प्रॉपर्टी का जो रेपुडिएट कर देता है कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो आर्टिकल 60 जो है 3 साल का पीरियड प्रिस्क्राइब करता है फॉर सेटिंग असाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गार्जियन की अगर हुई है तो। बाय द वर्ड हु हैड अटेन्ड मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी ले ली है, 18 साल की उम्र हो गई है और जो पीरियड है 3 साल है, अगर मान लो 18 साल का हो गया और उसके बाद उसे लगता है कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्लेयर वॉइडेबल करवाना है तो 3 साल का टाइम उसके बाद हो गया, यानी 21 साल के होने तक माइनर करवा सकता है। फिर कह रहे हैं इन केस माइनर अगर रेपुडिएट कर देता है एलिनेशन को गार्जियन की लायबल टू रिटर्न, तो जो कंसिडरेशन अमाउंट जो है माइनर ने पहले ले ली थी वो भी वापिस करनी पड़ेगी। अब बात आती है सेक्शन 9 की, टेस्टामेंट्री गार्जियन, टेस्टामेंट्री मतलब बाय विल और उसकी पावर की बात हो रही है। हिंदू फादर एंटाइटल है टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के मामले में, हिंदू फादर है वो अपॉइंट कर सकता है विल से माइनर्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग
और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ दोनों की, कि मान लो एक फादर है वो विल बना देता है कि मेरे बाद जो है मेरे बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो विल बना सकता है और उसमें भी ये एक एक्सेप्शन है कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के मामले में कोई विल प्रिवेल नहीं करेगा प्रॉपर्टी के मैटर में। फिर कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट, अगर सब सेक्शन वन में जो फादर की जो अपॉइंटमेंट हो जाती है शैल हैव नो इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ द फादर प्रीडिसीजेस द मदर, अगर फादर जो है मदर से पहले चला जाता है, बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एनी गार्डन। और अगर मान लो फादर है और मदर है, फादर पहले एक्सपायर हो गया और मदर अभी जिंदा बैठी है और मदर ने कोई विल नहीं बनाई है, उस मामले में अगर मदर की डेथ हो जाती है तो फादर वाली विल प्रिवेल करेगी। ये बात कहता है सेक्शन टू, कहता है कि बट शैल नॉट रिवाइव, वो रिवाइव नहीं करेगी, अगर मदर डाई हो जाती है विदाउट अपॉइंटिंग विल तब वो रिवाइव करेगी। हिंदू विडो एंटाइटल टू एक्ट, हिंदू विडो जो है माइनर की एंटाइटल है, नेचुरल गार्जियन है, एंड हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट नेचुरल गार्जियन माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, ये बात आ रही है लेजिटिमेट चिल्ड्रन की बात आ रही है, एंड माइनर लेजिटिमेट बाय रीजन ऑफ फैक्ट दैट द फादर हैज बिकम डिस एंटाइटल टू एक्ट एज सच माइनर विल अपॉइंट अ गार्जियन एनी ऑफ द अदर। अभी आगे सारा का सारा ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि हिंदू विडो जो एंटाइटल है नेचुरल गार्जियन है माइनर की, अगर फादर ने कोई विल बना दिया और किसी और पर्सन को अपॉइंट भी कर देता है तो उसके मामले में भी वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाएगी, वो अभी भी एंटाइटल है, अभी भी उसके ऊपर जो है बच्चे की कस्टडी का अधिकार है, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता। हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्सेप्ट नेचुरल गार्जियन माइनर इल एस्टिमेटेड चाइल्ड, वही बात आ गई जो क्लोज फर्स्ट में इल एस्टिमेटेड चिल्ड्रन के मामले में मदर की एंटाइटलमेंट है और वो जो है अपॉइंट कर सकती है माइनर के पर्सन, माइनर को संभालने में और उसकी प्रॉपर्टी को संभालने में, या दोनों में। कह रहे हैं कि द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज अ राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर हर डेथ। कह रहे हैं कि माइनर के फादर और मदर की डेथ के बाद जो गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा उसके पास राइट होगा कि वो जो है मेंटेन करेगा माइनर की प्रॉपर्टी और पर्सन को एज अ केस में भी, एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट ऑफ नेचुरल, नेचुरल गार्जियन के सारे राइट को एक्सरसाइज करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इफ एनी, अगर कोई है एज आर स्पेसिफाइड इन एक्ट एंड विल, विल और उसमें अगर कोई कंडीशन है, मान लो ये कंडीशन लगा दी विल बनाते हुए कि मेरे बच्चे की संभाल तो आप करोगे, बस मेरे बच्चे के जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, तो उस मामले में ये कंडीशन जो है अप्लीकेबल हो जाएगी। फिर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केस इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता इसके रिगार्डिंग कोई लैंडमार्क केस है, जितना था मैंने आपको करवा दिए। फिर बात आ रही है द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल, वेयर द माइनर इज ए गर्ल सिटीजन, जो राइट है गार्जियनशिप का, अगर मान लो लड़की है और लड़की की शादी होगी तो उसके बाद जो है वो शीज हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 10 कहता है इन कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट, माइनर की का गार्जियन माइनर नहीं बन सकता, ए माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्जियन, माइनर जो है इनकम्पिटेंट है वो गार्जियन नहीं बन सकता। सेक्शन 11 कहता है डिफैक्टो गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं करेगा, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के आने के बाद नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ, कोई भी व्यक्ति हकदार नहीं है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का, खत्म करने का, बेचने का, डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर सर्विस ग्राउंड पर कि हिज और हर बीइंग द डिफेक्टो गार्जियन, की वो उसका डिफेक्टो गार्जियन है, तो डिफेक्टो गार्जियन फैक्ट से बना है नॉट बाय द लॉ, सो ही कैन नॉट या शी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ और डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट डील जो डिफेक्टो गार्जियन की बात करता है, डिफेक्टो गार्जियन इज रेफर टू सच एज ए पर्सन हु टेक्स अपन हिमसेल्फ द जनरल मैनेजमेंट संभालेगा। द एक्सप्रेशन डिफेक्टो का मतलब है कि रिलेशन और फ्रेंड्स भी, जो भी रिलेटिव है वो हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के लिए, जहां पर कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं होता, एंड हु आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसको जियो स्टेट को वो संभालता है। इन केस ऑफ राजलक्ष्मी वर्सी रामचंद्रा 1967 का केस है, इट हैज बीन हेल्ड दैट एन एलिनेशन मेड बाय अ डिफेक्टो गार्जियन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट वुड बी वॉइड एब इनिशियो, एंड और जो एलिनी है will not acquire, जो एलिनी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी उसका कोई भी टाइटल वहां पर नहीं होगा, नॉर कैन द माइनर आफ्टर कमिंग इन टू फॉर रेटिफाई, और माइनर को भी ये राइट नहीं है कि वो बाद में रेटिफाई यानी कि उस पर सहमति दे सके, राजलक्ष्मी का केस में ये बात कही गई थी। फिर सेक्शन 12 कहता है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली, गार्जियन का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में किसी प्रकार का कोई भी जो है जो गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। वेर माइनर हैज एन अनडिवाइडेड, माइनर का अभी तक इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी से कितना शेयर मिलेगा, अभी तक ज्वाइंट फैमिली है, तो उस मामले में क्या होगा,
एंड द प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट है किसी एडल्ट मेंबर के पास, घर के किसी मुखिया के पास है, कर्ता के पास है, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइटेड इंटरेस्ट, में कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, पर जो कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, वो चाहे तो कोई भी उस पर अपना प्रोविजन लगाकर, अपनी कोई पावर का यूज करके, इनहेरेंट पावर का यूज करके गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। अब बात आती है सेक्शन 13 की, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, जो बच्चे का वेलफेयर, बच्चे की भलाई किस चीज में है, गार्जियनशिप से पहले सबसे पहले वो डिसाइड होगा कि बच्चे का बेनिफिट किस चीज में है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन ऑफ द हिंदू माइनर बाय द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन होगी। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, अगर कोर्ट की ओपिनियन हो जाती है कि ये वेलफेयर नहीं है बच्चे का, तो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट एंटाइटल नहीं देगी, एंटाइटलमेंट नहीं करेगी, उसको गार्जियन अपॉइंट नहीं करेगी। इन रोजी जैकब वर्सेस जैकब ए चक्रमल के केस में ये बात कही गई थी कि इन कंसिडरेशन द क्वेश्चन ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, जब चाइल्ड या माइनर की वेलफेयर की बात होती है, ड्यू रिगार्ड्स हैज, तो उससे पहले ये देखा जाएगा ऑफ कोर्स टू बी गिवन राइट ऑफ द फादर एज नेचुरल गार्जियन, बट इफ द कस्टडी ऑफ द फादर कैन नॉट प्रमोट द वेलफेयर, सबसे पहले देखा जाएगा कि फादर जो है नेचुरल गार्जियन होगा, बट इफ द कस्टडी ऑफ द फादर कैन नॉट प्रमोट द चाइल्ड ही मे रिफ्यूज, तो गार्जियनशिप को रिमूव किया जा सकता है। गायत्री बजाज वर्सेस जितेन भल्ला 2012 के केस में बात कही गई कि एन ऑर्डर ऑफ द कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन नाइदर अंडर द प्रोविजन ऑफ गार्जियन एंड वार्डशिप एक्ट और माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द कोर्ट ट्रीटिंग द इंटरेस्ट, तो वही बात कह दी गई कि दोनों एक्ट में यह इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट देखा जाएगा, पैरामाउंट कंसिडरेशन होनी चाहिए बच्चे का वेलफेयर। इट इज नॉट द बेटर राइट ऑफ आइदर पेरेंट दैट वुड रिक्वायर एडजुडिकेशन बाय डिसाइडिंग देयर एंटाइटलमेंट, कस्टडी से एंटाइटलमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि किसी भी पेरेंट को अधिकार मिले। द डिजायर ऑफ द चाइल्ड कपल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कंड्यूसिव, जो बच्चे की इच्छा है वो इंपॉर्टेंट होगी, अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट उसे कहाँ मिलेगा अपब्रिंगिंग का, उसके पालन पोषण का, विद द एबिलिटी देखी जाएगी, मींस ऑफ पेरेंट्स की क्या कैपेबिलिटी है वो देखी जाएगी, और कौन बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकता है, ये कुछ एक रेलेवेंट फैक्टर है जो कस्टडी से पहले कोर्ट डिसाइड करेगी। गौरव नागपाल वर्सेज सुमेधा नागपाल के केस में द वेलफेयर की बात की गई कि वेलफेयर वर्ड जो है सेक्शन 13 में वो माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करता है, लिटरली अगर मीनिंग में समझे तो वाइडर सेंस में, अगर सिर्फ लिटरली मीनिंग नहीं समझेंगे, वेलफेयर सिंपल एक अर्थ नहीं लेंगे, उसे वाइडर सेंस में आप समझेंगे, द मॉरल एंड एथिकल वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जो फ्यूचर है, चाइल्ड का जो भला है वो देखा जाएगा, दो द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल स्टैट्यूट, जो राइट दे रहा है पेरेंट्स और गार्जियन को, पर देयर इज नथिंग विच कैन स्टैंड द वे ऑफ एक्सरसाइज, पेरेंट पैट्रियास की जो पावर है उसको कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता, उसमें क्या है, पेरेंट पैट्रियास की पावर है कि जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट अपने हिसाब से अपना ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर सकती है। तो इसके अलावा आगे कुछ केस और है जो हमें थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे। इन सुरेंद्र कुमार संधू वर्सेज हरभक्त सिंह संधू, इस केस में ये बात कही गई कि सेक्शन 6 जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का, वो फादर को नेचुरल गार्जियन बनाता है माइनर सन का, बट दैट प्रोविजन कैन नॉट सुपरसीड, पर वो प्रोविजन भी ये नहीं कह सकते कि जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वेलफेयर की उसको आप इग्नोर कर दें। रुचि मज्जो वर्सेज संजीव मज्जो के केस में क्या हुआ, द कोर्ट ने कहा कि इवन एन इंटरिम ऑर्डर ऑफ कस्टडी, एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया कस्टडी का पेरेंट के फेवर में, शुड नॉट इंसुलेट द माइनर, माइनर को जो है पेरेंटल टच से अलग नहीं कर सकता, कि एक पेरेंट को अगर मान लो आपने ऑर्डर दे दिया तो दूसरे पेरेंट उससे ना मिल सके, ऐसा कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी, कोर्ट जो दूसरी पार्टी को भी अलाउ करेगी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ममता वर्सेज अशोक जगन्नाथ बरुखा के केस में कोर्ट ने कहा कि बिफोर डिसाइडिंग द इश्यू, सबसे पहले डिसाइड करने से पहले, एज टू वेदर द कस्टडी शुड बी गिवन टू द मदर और फादर इज पार्शियली टू वन एंड पार्शियली टू द अदर, कि किसको कस्टडी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट को सबसे पहले कंसिडरेशन देखना पड़ेगा विशेज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की क्या विश है, साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव है उसका, अगर उसको कस्टडी मिल जाती है तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन उसके रिगार्डिंग ले सकती है कोर्ट, ऑल दिस मस्ट बी डन इन एडिशन टू अ सर्टेन, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है जो कोर्ट को लगता है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे का क्या फ्यूचर है, कौन सी कस्टडी उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और क्या उसको फायदा मिल सकता है, उस मामले में कोर्ट जो है ये कुछ अलाउ कर सकती है। इसके अलावा आप सभी के पास बेयर एक्ट है, अगर यूनिवर्सल का बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए, एक दो पॉइंट्स और है मुझे बेयर एक्ट से डिस्कस करवाने हैं तो आप फटाफट बेयर एक्ट निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो पॉज करके आप बेयर एक्ट को निकालिए। देखिए बेयर एक्ट में अगर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के रिगार्डिंग आप देखते हो तो इसमें एक
केस हो रहा है इसके अंदर, मदर अटेंडिंग नाइट क्लब्स, ये केस है अमित बैरी वर्सेस शीतल बैरी का। उसमें ये बात कही गई थी कि मनी जो है वो सफिशिएंट नहीं होता किसी भी बच्चे की सुरक्षा के लिए। अगर बच्चे की जो कस्टडी जिस व्यक्ति को मिली है, अगर वो नाइट क्लब में जाता है और वो बच्चे की केयर नहीं कर पाता, तो उस मामले में वो कस्टडी जो है नेगलिजेंस मानी जाएगी उस पेरेंट की। तो इस मामले में कोर्ट ने जो कस्टडी को रिमूव कर दिया। पहले मदर को कस्टडी दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला मदर जो है नाइट क्लब को एंजॉय करती है, तो कोर्ट ने कहा कि वो अलाउ नहीं किया जा सकता। फिर कहता है कि माइनर चाइल्ड को जो है मदर की कस्टडी में दिया गया, लेकिन मदर ने आगे क्या करा कि अपनी किसी सिस्टर को या अपनी मदर को ही उस कस्टडी सौंप दी है, और उसके बाद जो उसकी ध्यान नहीं रख रही है। तो उस मामले में भी कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो मदर खुद नहीं संभाल रही और रिलेटिव के पास छोड़ रही है, तो उस मामले में अगर मान लो वो कोई गलत एक्टिविटी कर रही है, तो उस मामले में कस्टडी को रिमूव किया जा सकता है, गार्डियनशिप को रिमूव किया जा सकता है। बट अगर एक इसमें केस हो रहा है अंकुर त्रिपाठी वर्सेज राधेश्याम पांडे के केस में, ये बात कही गई थी कि मदर की इलनेस है या फादर जो है वो प्रॉपरली केयर नहीं कर रहा है, या वो नोबल प्रोफेशन में लेक्चरर जैसी पोस्ट पे काम कर रहा है, उस मामले में कस्टडी जो है दूसरे रिलेटिव को भी दी जा सकती है। फिर बात आती है एक और केस है, इसमें मोहिनी वर्सेज वीरेंद्रा का केस है। ये वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन, बच्चे का जो भविष्य है वो देखा जाएगा, बच्चे की भलाई देखी जाएगी कि बच्चे की फ्यूचर किसके साथ सिक्योर है, उस मामले में कोर्ट जो गार्डियनशिप अलाउ करेगी। देखिए मैंने अपना ये लेक्चर पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ को आपको कवर करवाया, थोड़ा फास्टली जरूर करवाया क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इश्यू है, टाइम कम होता है मेरे पास, तो इस वजह से मैंने आपको ये कवर करवा दिया। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपको जो कंसेप्ट क्लियरिटी वो अच्छे से हो गई होगी, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप रिविजन करते रहिए। विदाउट रिविजन यू कैन नॉट सक्सीड इन द फ्यूचर एनी एग्जामिनेशन, तो रिविजन इज द मस्ट, आपको रिविजन करते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोरोना का इश्यू अभी तक है तो अपने हेल्थ इश्यू को ध्यान रखिए, हेल्थ का इश्यू को बनने ना दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क। एंड फर्दर आई ऑल्सो सेड दैट ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्पीटिंग एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, सो प्लीज ग्रैब योर कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी ग्रैब योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स एंड डू प्रैक्टिस। Thank you for watching again. Have a nice day.